शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कुमारी शैलजा ने आपको बता रहे कहा है कि अगर सरकार किसानों से बात कर रही होती तो आज तक हल निकल गया होता। विधानसभा चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारी तैयारी जारी है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों का सहयोग मिला है उससे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी जनता उनको पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में तेरह मेरे की बात नहीं होगी, मेरिट के आधार पर ही टिकट मिलनी चाहिए। इसके बाद पार्टी के दूसरे नेताओं का उस उम्मीदवार के साथ उनको मौका पर साथ देना चाहिए। तैयारी तो लोगों के मन में शुरू हो चुकी और कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। अभी जिस मेहनत से लोकसभा में हमारे लोगों ने काम किया, जनता का रुझान दिखा, मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में जारी रहेगा और हरियाणा में पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखो, ये कहने की बातें होती हैं, हमारा वर्कर है, संगठन बहुत जरूरी है, संगठन होना चाहिए था। और ये मैंने पहले भी कई बार कहा, मैं खुद पीसीसी प्रेसिडेंट रही, संगठन नहीं बन पाया, एक रही कमी रही और आज भी वो कमी है। लेकिन अब हमें सोचना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बिना पहचान के ही काम कर रहा है, तो हमको कार्यकर्ता की ओर देखना चाहिए। भाजपा ये जो भी दिखाते हैं अपना संगठन वगैरह ये सब, तो वो संगठन तो इनका धरा का धरा रह गया। पन्ना प्रमुख फलाना प्रमुख कुछ नहीं नजर आया, ये दिखावा ज्यादा है भाजपा का, और जमीन पर जो लोगों से जुड़ेंगे ही नहीं